बुलडोजर के नाम से प्रसिद्ध हो गए, यहाँ ने विदेशों में भी बुलडोजर के नाम से प्रसिद्ध हो, कहीं भी आप बाबा जी जाएंगे तो बुलडोजर के नाम से प्रसिद्ध है। कोई भी अपराधी हो उस पर चलना चाहिए। सपा को गढ़ दिया है वो सपा, कन्नौज में कभी भी ऊपर नहीं आएगी। कुछ भू माफियाओं ने यहाँ कब्जा कर रखा, वहाँ प्लाटिंग कर दी, और पुलिस का संरक्षण सब दलाली कहा रहे, अच्छे खासे नेता पोता जो भी है यहाँ की जनता परेशान है, और जितने पुलिस की दलाली चल रही पेल के। वृद्धावस्था के नाम से, विकलांग पेंशन के नाम से हजारों रुपए की ठगी करते हैं। नमस्कार, स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम मौजूद है उत्तर प्रदेश के कन्नौज में। आप सभी जानते होंगे कि उत्तर प्रदेश में 10 मार्च को योगी आदित्यनाथ की दोबारा सरकार बनी। आज हमारे वीडियो का एक टॉपिक है बुलडोजर बाबा। आप कहना चाहेंगे कि बुलडोजर बाबा ही क्यों, तो बुलडोजर बाबा इसलिए क्योंकि 10 मार्च को योगी आदित्यनाथ की सरकार बनने के बाद कई माफिया और कई अपराधियों के ऊपर बाबा का बुलडोजर चलने लगा। हम जहाँ कन्नौज में मौजूद हैं, यहाँ भी कई अवैध निर्माण गिराए गए। यहाँ पास में ही औरैया जिला पड़ता है, यहाँ पे भी कई लोगों के अवैध निर्माण गिराए गए, कानपुर में गिराए गए, मऊ में, ऐसे अनेक ज़िले हैं जहाँ पर माफियाओं और अपराधियों के जो मकान है वो बुलडोजर से ध्वस्त कर दिए गए। योगी बाबा का नाम भी पड़ गया बुलडोजर बाबा, लोग उनको फूल और गुलदस्ते की जगह बुलडोजर गिफ्ट करने लगे, बुलडोजर का बाजारों में भी क्रेज आ गया। आज कन्नौज की जनता से जानेंगे कि बुलडोजर बाबा पर उनका क्या कहना है, क्या योगी आदित्यनाथ की सरकार बनने के बाद क्या बुलडोजर का क्रेज जो ये चालू हुआ है इसके बारे में जानेंगे, और क्या वाकई में अपराधी और माफियाओं के ऊपर ही ये बाबा का बुलडोजर चल रहा है। आइए चलते हैं कन्नौज की जनता की बात सुनाते हैं आप। बाबा का बुलडोजर जो अपराधियों के ऊपर चल रहा है उसी मुद्दे पर हम लोग आज कन्नौज में मौजूद हैं, तो कन्नौज की जनता से राय लेते हैं इस विषय में कि उनका क्या सोचना है जो बाबा का बुलडोजर अपराधी और माफियाओं के ऊपर चल रहा है। आपका क्या नाम है सर? बाबा जी का बुलडोजर जो चल रहा है, नाम बताइए आप क्या है? मेरा नाम ज्ञानेंद्र कुमार है, और जो बाबा जी का जो बुलडोजर चल रहा है वो जो भू माफिया हैं, अत्याचारी हैं, आतंकी हैं, जिन्होंने ज़मीन पर कब्जा कर रखा है, ऐसे लोगों के ऊपर बुलडोजर चलना चाहिए। ये बहुत अच्छा कार्य हो रहा है जिससे कमज़ोर वर्ग के लोगों को इसका लाभ मिलेगा। हम लोग कन्नौज में मौजूद हैं, पास में जिला लगा हुआ है औरैया, वहाँ के डीएम सस्पेंड हुए हैं, उनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, बताई जा रही है उनकी संपत्ति के ऊपर भी बुलडोजर चलेगा, क्या उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या जो जिलाधिकारी हैं और इनके ऊपर बाबा जी जो सख्ती कर रहे हैं उससे क्या आप कहना चाहेंगे उस पर? ये तो बहुत अच्छी बात है, जो अधिकारी भ्रष्ट हैं और जिनके पास जो है संपत्ति, अकूत संपत्ति जिन्होंने इकट्ठी की है, ऐसी संपत्ति को जांच के दौरान इकट्ठा करके जनता को उससे राहत मिले, ये बहुत अच्छा कार्य हो रहा है। कन्नौज में हसेरा में बुलडोजर चला, कानपुर में चला है, मऊ में चला है, काफ़ी जगह पे बुलडोजर चल रहा है, घटनाएं सामने आ रही हैं, आपकी क्या राय है इस विषय में? ये प्रदेश की पहली सरकार है बाबा जी की सरकार जो भ्रष्टाचारियों पर बुलडोजर चलवा रही है और नाजायज संपत्ति पर बुलडोजर चलवा रही है, और हमें बहुत खुशी मिलती है इन कार्यों से। 25 मार्च को शपथ ग्रहण होता है बाबा जी का, दो दिनों बाद ये कार्य आरंभ हो जाता है, अपराधियों पर बुलडोजर चलने लगते हैं, माफिया कहते हैं कि हम अपनी ज़मीन देने के लिए तैयार हैं, बस हमारे घर पर बुलडोजर ना चलाया जाए, इस पर आपका क्या राय? हाँ, ये सही कार्य हो रहा है, हमें तो अच्छा लगता है जब सुनते हैं ऐसा, कुछ सही आदमी ना सताया जाए और नाजायज लोगों पर बुलडोजर चले और सब संपत्ति गिरा दी जाए तो अच्छा लगता है इसमें। आपका क्या नाम है सर? प्रदीप कुमार सर। आप क्या कहना चाहेंगे जो बाबा बुलडोजर चल रहा है इस पर? बुलडोजर सही चल रहा है, जो ज़्यादा मतलब खुराफाती लोग हैं वो अपने मतलब संपत्ति ज़्यादा अपने उससे ज़्यादा संपत्ति करी है, उनकी संपत्ति छीन के मतलब गरीब जनता को बांटी जाए। हमारे माध्यम से आप सरकार से क्या कहना चाहेंगे? दरबार में भी आना चाहिए, बुलडोजर चलना चाहिए, जो ज़्यादा ये मतलब पैसे वाले लोग हैं, मतलब उनने गरीब लोगों के पैसे मतलब ज़मीन हड़प हड़प के मतलब अपने आप को आगे बढ़ाया, उनकी भी जांच की जाए, दरबार में काफ़ी लोग हैं। जो बाबा का बुलडोजर चल रहा है उससे आप लोग खुश हैं? उससे बहुत खुश हैं, बहुत ज़्यादा हैं, थोड़े बहुत नहीं बहुत ज़्यादा हैं। इन्हीं सब मुद्दों पर आप लोगों ने वोट भी किया होगा? इसी मुद्दे पर वोट ही दिया, बुलडोजर बाबा के नाम से तो प्रसिद्ध हो गए हैं पूरे यूपी में। उनको पहले लोग फूल भेंट करते थे, अब फूल की जगह ज़्यादातर लोग उनको बुलडोजर भेंट कर रहे हैं। बुलडोजर के नाम से प्रसिद्ध हो गए, यहाँ ने विदेशों में भी बुलडोजर के नाम से प्रसिद्ध हो, कहीं भी आप बाबा जी जाएंगे तो बुलडोजर के नाम से प्रसिद्ध हैं, चाहे वो यहाँ यूपी में रहें या महाराष्ट्र या गुजरात में, कहीं भी दिल्ली में भी जाएं वहाँ पे बुलडोजर के नाम से हर जगह प्रसिद्ध हैं बाबा जी। बाबा जी का बुलडोजर चल रहा अच्छा चल रहा? बहुत बढ़िया चल रहा है, जहाँ भी चलेगा वो अच्छे चलेगा, यहाँ तरवा में भी जरूर चलना चाहिए, तरवा में भी ऐसे बेस्ट लोग हैं कि बुलडोजर मतलब उनके घर पर भी चलना चाहिए।
काफ़ी लोग ऐसे हैं कि छोटे मोटे में कुछ समझते हैं ना, घास कूड़ा समझते हैं उनको, उनकी जगह भी अब हथियार लेते हैं धीरे धीरे। उनके आगे समझते आ कि मतलब ये बचपन स्कूल भी बना, यहाँ भी मतलब उन्होंने काफ़ी जमीन मतलब ले ले, गरीबों की जमीन मतलब कब्जा कर लिया है। अब गरीब आदमी वो पढ़ा लिखा नहीं, वो क्या करेगा, वो जा ही नहीं पाएगा, ना कोर्ट जाएगा ना कचहरी जाएगा, कहीं जब पहुँच ही नहीं पाता है। मेन बात तो यही होता है। हम लोग उत्तर प्रदेश की तिरुवा विधानसभा में मौजूद हैं, तो यहाँ पे कुछ लोग कह रहे हैं कि इस विधानसभा में भी काफ़ी लोगों के लीगल मकान बने हुए हैं, इनको भी तोड़ा जाना चाहिए और इनके ऊपर भी बिल्डोजर चलना चाहिए। बाबा जैसे लोग पूरी उम्मीद लगाएं कि यहाँ पे भी बिल्डोजर चलेगा, कब चलेगा इसकी तो आगे आने वाला वक्त ही बताएगा। और कुछ लोगों से बात करते हैं, आप कहना चाहेंगे, आप बताइए क्या कह, मतलब बिल्डोजर चल रहा बाबा जी का क्या, आप उससे बहुत अच्छा है, खुश हैं, बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। और कुछ हमारे माध्यम से आप सरकार से कहना चाहें, भ्रष्ट अधिकारी हों उनके वे बहुत अच्छे। हाँ, एक आरोप लगता है कन्नौज से, जैसे विधायक बने हैं कन्नौज सदर से असीम अरुण जी, मंत्री भी बन गए हैं, समाज कल्याण मंत्री हैं, तो आप उनसे क्या कहना चाहेंगे, जो एक करप्शन फैल रहा है, भ्रष्टाचार है कन्नौज में, जो अधिकारी भ्रष्टाचार करते हैं पूरे उत्तर प्रदेश में करते हैं, उन पर भी जाँच होनी चाहिए, उनके ऊपर भी बुलडोजर चलना चाहिए, वो भी गरीब जनता का खून चूसते हैं। हाँ, उनसे यही कहना चाहता है कि बहुत अच्छे ढंग से मतलब उसे कानून व्यवस्था में बढ़िया सुधार करें और उनको मतलब वो करें। क्या आपको भी, आप कन्नौज में रहते हैं, आपको भी लगा कि यहाँ पे भी अधिकारी हैं जो भ्रष्टाचार करते हैं लेकिन उनकी शिकायत ऊपर तक नहीं पहुँचती है? वो तो है ही, सही बात है, तो हर जगह भ्रष्टाचार होता है। और क्या, औरैया के DM हटाए गए आज, औरैया के आज DM हटाए गए हैं, तो आप उस पर क्या कहना चाहेंगे, उनके ऊपर अभी भ्रष्टाचार के आरोप है? हाँ, वो सही है, आज अधिक संपत्ति है, वो तो चेक होनी चाहिए उसमें। अच्छा, और आप कुछ कहना चाहेंगे, कुछ और आप कहना चाहेंगे? हम जो अपने ये कन्नौज सदर से विधायक श्री असीम अरुड़ जी हैं और इस समय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और उसके समाज कल्याण मंत्री, अनुसूचित जात जनजात मंत्री, उनसे मेरा अनुरोध है कि जो UP में और जिला स्तर पर जो समाज कल्याण विभाग बनाए गए हैं, वहाँ पर बैठे बाबू और अधिकारी वृद्धावस्था के नाम से, विकलांग पेंशन के नाम से हजारों रुपए की ठगी करते हैं, तो मंत्री जी ऐसे बाबू और अधिकारियों पर अंकुश लगाएं और उनको वहाँ से हटा करके दूसरा नया बाबू लाएं, जिससे भ्रष्टाचार पर रोक लगे और उन ऐसे भ्रष्टाचारी बाबुओं और अधिकारियों पर जो है सख्त कार्रवाई हो, उन पर भी बाबा का बिल्डोजर चलना चाहिए, आपका ये कहना है? हाँ, बिल्डोजर चले या उनके ऊपर कठोर कार्रवाई हो, कानून के तहत उनको शिकंजे में लाया जाए, जिससे उनको उस आधार पर उनको उसकी जो है सजा मिले। चलिए, कन्नौज के कुछ लोग थे, आगे और चलते हैं, कुछ लोगों से और मुलाकात करते हैं। कन्नौज में एक नई जगह पर आए, आइए और कुछ लोगों से बात करते हैं कि बुलडोजर बाबा, जो ये बुलडोजर चल रहा है, जो आरोप लग रहा है सरकार पर कि इस सरकार में बुलडोजर चल रहा है अपराधियों के ऊपर, तो यहाँ की जनता क्या सोचती है, क्या बाबा आपको लगता है, जो बाबा का बुलडोजर चल रहा अपराधियों के ऊपर, सही चल रहा है? सही चल रहा है, सही चल रहा है, सही, बिल्कुल बिल्कुल कैमरा में देखिए, आप सही चल रहा है, कार्रवाई होनी चाहिए। हाँ, कार्रवाई होनी चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए। हम कन्नौज में मौजूद हैं, आपको लगता है कि कन्नौज में भी चलना चाहिए? कन्नौज में भी चलना चाहिए। एक आज बड़ी कार्रवाई हुई, और औरैया के DM हटाए गए, भ्रष्टाचार के आरोप लगे कि उन्होंने भ्रष्टाचार किया, बताया जा रहा उन पर भी बुलडोजर चलेगा, DM थे, अच्छी खासी पोस्ट पर थे, चलाइए आप, बिल्कुल बिल्कुल चलना चाहिए, बिल्कुल चलना चाहिए। हाँ, बिल्कुल चलना चाहिए। और कुछ लोगों से बात करते हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? हेलो, आप आप बताइए क्या कहना चाहेंगे, बाबा का बुलडोजर चल रहा कैसा लग रहा है आगे आ जाइए? बाबा जी का जो बुलडोजर है वो भू माफिया और गुंडों के ऊपर चल रहा है, वो अच्छा चल रहा है, जो प्रदेश में शासन है वो बाबा जी का जो शासन है वो बहुत अच्छा चल रहा है, ऐसा ही होना चाहिए और होता रहेगा, जो गुंडागर्दी करेंगे उनके ऊपर बुलडोजर ही चलेगा। आप खुश हैं, आपको लगता है कन्नौज में भी चलना चाहिए? मैं खुश हूँ, जो कन्नौज में भू माफिया उनके ऊपर भी चलना चाहिए, CM से हमारा अनुरोध है कि कार्रवाई हो कन्नौज में भी। कन्नौज सदर से विधायक हैं असीम अरुड़, मंत्री भी बन गए हैं, उनसे आपको क्या कहना चाहिए, कहना चाहेंगे? नहीं, वे समाज कल्याण मंत्री हैं, अच्छा हुआ कि वो अगर हमारे बीच में आए, तो हम अपनी बात उनसे रखेंगे कि जो कन्नौज की जनता है, तीनों सीटें दी हैं BJP को, तो ये कन्नौज की जनता को 5 साल के लिए उनको सोचना चाहिए, अच्छा काम करना चाहिए। कन्नौज समाजवादी पार्टी का गढ़ था, उसे भगवामय कर दिया है, तो आपको उम्मीद है कि यहाँ पे भी अच्छा काम होगा? समाजवादी गढ़ था वो, BJP ने गढ़ को गाड़ दिया है नीचे,
सपा को गाड़ दिया है, वो सपा अब कन्नौज में कभी भी ऊपर नहीं आएगी। चलिए ठीक, आप क्या कहना चाहेंगे बुलडोजर बाबा की? हम तो बढ़िया बात करते हैं बाबा जी से, बहुत अच्छी बात है, अच्छा काम कर रहे हैं, बढ़िया बात कर रहे हैं। और कुछ कहना चाहेंगे? केवल यही है कि ये जो गाय बछड़ा हमारे घूम रहे हैं, इनको आप स्थायी कर दो। और आइए कुछ लोगों से और बात करते हैं, कुछ कहना चाहेंगे? कुछ क्या बाबा जी की जो कार्रवाई हो रही है, सही हो रही है? सही हो रही है कार्रवाई, बढ़िया सही हो रही है। चलिए ठीक है, और कुछ लोगों से बात करते हैं। आदित्य राजपूत, क्या नाम है आप? आदित्य राजपूत। क्या जो कार्रवाई हो रही है बाबा जी की बुलडोजर चल रहा है उस पर आप क्या? बहुत अच्छी कार्रवाई हो रही है, ऐसी होनी चाहिए, जो गलत है वो गलत है, गलत को गलत कहना चाहिए। और बाबा जी का ऐसा बुलडोजर चलना चाहिए, जो माफिया हैं भू माफिया हैं, अभय जमीन पर कब्जा किया है, उनको हटवाना चाहिए, गुंडागर्दी ख़त्म हो गई। अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी, अफजाल अंसारी, कई माफिया हैं जिनके ऊपर बुलडोजर चला, प्रॉपर्टी जब्त हुई, और कई आरोपी और निकल के आ रहे हैं उनके ऊपर भी चलाया जा रहा है। ऐसे और आरोपी होंगे जो आप भी जानते होंगे, कन्नौज में बहुत ऐसे आरोपी हैं जिनका हम नाम नहीं लेना चाहते, लेकिन बाबा जी सब जानते हैं, उन पर ऐसे बुलडोजर चलना चाहिए कि उनकी जो अवैध संपत्ति है उनके ऊपर बुलडोजर जरूर चलना चाहिए। और उनके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई तो बाबा जी का बुलडोजर फेल हो जाएगा, फिर तो जो कार्रवाई हुई और कार्रवाई तेज हो बाबा जी की, जिन नाम से वो जाने जाते हैं कि बाबा बुलडोजर, उनका नाम और ऊपर जाए, आगे जाए कि 24 में उनकी सरकार बने, जो राशन है और तमाम पेंशन वेंशन व्यवस्था जो बढ़ाई गई है वो सुचारू रूप से चालू की जाए। खुश हैं आप बुलडोजर बाबा? बहुत खुश हैं। चलिए और कुछ लोगों से बात करते हैं, कुछ और लोगों से बात करते हैं जब कन्नौज में मौजूद हैं, तो बात करते हैं कि जो बाबा का बुलडोजर चल रहा है उस पर कन्नौज की ये कुछ और लोग आए हमें मिल गए, तो इनसे बात करते हैं कि ये लोग क्या सोचते हैं। बाबा क्या नाम है आपका? राम गोपाल, मैनेजर राजपूत है पट्टी पवोरा के। नहीं तो जो बाबा जी का बुलडोजर चल रहा है अपराधियों पर, माफिया पर, रुक जाइए आप, तो उस पर मतलब हजरतगंज में चला, अतीक अहमद की प्रॉपर्टी गिराई गई, मुख्तार अंसारी के ऊपर चला, और काफ़ी अपराधी हैं उनके ऊपर बुलडोजर चला, आपको क्या लगता है ये सही कर रही है सरकार? कोई भी अपराधी हो उस पर चलना चाहिए। अच्छा हाँ, और ज़्यादा चलना चाहिए कोई भी अपराधी हो। और बोलो, अपराधियों पर बुलडोजर चलना चाहिए, उनके ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए? होना चाहिए, जो बाकी रही हो उससे और बढ़ा के होना चाहिए। आज हो रही है कि डीएम भ्रष्टाचार के आरोप में हटाए गए, उनके ऊपर आरोप लगाए गए कि वो भी भ्रष्टाचार में लिप्त थे, क्या कहना चाहेंगे आप? तो भैया देखो, एक बात, जो सरकार जाँच करा के काम कर रही है वो सही कर रही है, हम सरकार के फालो में। जो बुलडोजर चलवा रही है वो सही चलवा रही है? सही चलवा रही। आप क्या कहना चाहेंगे भैया? ठीक है भैया, होना चाहिए, कानूनी कार्रवाई होना चाहिए, कोई भी आदमी हो नियम का उल्लंघन करे तो उसके यार हम हो हमारे ऊपर होना चाहिए, सबके लिए है ना कानून, सबके लिए है, सबको एक धार है, मतलब अगर गलत आदमी है तो उसको जो है बिल्कुल सजा मिलना चाहिए। कोई नहीं है कानून से बड़ा, कोई नहीं है, अगर अपराध कर रहा है तो उस पर कार्रवाई होना चाहिए। बताओ अपराध, मोदी जी से बात करो, हम करेंगे। हाँ, जो कार्रवाई अपराधियों होना चाहिए वो माफियों होना चाहिए, वो सही हो रही है, होना चाहिए, चाहे हम हो या कोई भी हो। कुछ युवा भी है हमारे साथ भैया, जो बाबा का बुलडोजर चल रहा है उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? अब दुनिया में चल रहा है, यहाँ भी चलना चाहिए, यहाँ भी कुछ तालाब है जिन पर दबंगों ने अवैध तरीके से कब्जा कर रखा है, जैसे ये आपके पास है कुमर गड्ढा है, कुछ भू माफियाओं ने यहाँ कब्जा कर रखा, वहाँ प्लाटिंग कर दी, और पुलिस का संरक्षण सब दलाली कहा रहे, अच्छे खासे नेता पोता जो भी है, यहाँ की जनता परेशान है, और जितने पुलिस की दलाली चल रही पेल के। हमारी तरफ से सरकार से क्या कहना चाहेंगे? सरकार से यही है कि दुनिया में रोज से हमें कहा दिखाया, हमारे इन जो ये दलाली करके जो महान बने हैं, बड़े आगे बढ़े हैं, और इनने पुलिस पर फुल कंट्रोल करके जो तालाबन पर कब्जा कर लो है, सरकारी ज़मीनन पर कब्जा करो है, जैसे पीछे इन पे है तुम्हारे पुरानी तहसील के पीछे ज़मीन थी सीलिंग में चली गई थी, और शासन प्रशासन की मिली भगत में उन पर आज प्लाटिंग कट रही है। अप्लीकेशन गए कई बार, अप्लीकेशन गए तो उसकी भी जांच होनी चाहिए, है ना, चले बुलडोजर तब तो पता चले कि चल रहा है कौन बुलडोजर, दुनिया में चल रहा उससे लेना देना कहा है? अतीक अहमद,
अफजाल अंसारी, मुख्तार अंसारी, हजरतगंज में भी कल चला, कानपुर में चला, यहाँ अपने त्रिवा में, असेरन में चला, इन पे चला, ये आप मेरी मेरा प्रश्न सुनिए, कन्नौज सदर से विधायक असीम अरुण मंत्री भी बन चुके हैं, उनसे क्या कहना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? हम आपके चैनल के माध्यम से उनसे यही कहना चाहेंगे कि त्रिवा कन्नौज में भी जो माफिया है इन पे भी कंट्रोल होना चाहिए, इनकी जो अवैध संपत्तियाँ हैं इनको भी नष्टो नाबूद किया जाए। आपके अनुसार कन्नौज में भी इतना नहीं चल रहा है? अब कन्नौज में भी चलो ही नहीं है, क्यों नहीं चल रहा है, ये क्या है, इस प्रक्रिया ध्यान दिया जाए भाई। बाबा जी जो कार्रवाई कर रहे हैं संतुष्ट हैं? हाँ, बाबा जी की जो अन्य जगह कार्रवाई हो रही है उनसे तो संतुष्ट है, फिलहाल में हेनों पे हुई वो चाहिए ना भाई, हेन को तो अपराधी दिन पर दिन फल फूल रहो है, ठीक है, संरक्षण में फूल रहो आखिर उनके संरक्षण। हमारे चैनल के माध्यम से किस जगह का आप कन्नौज में मुद्दा उठाना चाहेंगे? बहुत सारी ज़मीनें ऐसी पड़ी है, जैसे हमारे बगल में कुमार गड्ढा है, यही पास ही में है, ये पर प्लाटिंग कर देगी, पीछे सीलिंग की ज़मीन पे जहाँ लड़का खेल कूद रहे थे, सरकारी ज़मीन थी, उस ज़मीन पे कब्जा कर लो और उसकी प्लाटिंग कट गई है, जो हमारी जानकारी में वो हम आपको बता ही रहे हैं, उस पर भी बुलडोजर चलना चाहिए, बिल्कुल चलना चाहिए भाई, अवैध निर्माण हुए हैं, अवैध बिक्री हुई है, ज़मीन मुक्त कराई जाए इनका। हाँ हाँ, मतलब हमारा पूरा मिला के ये है, जो ग्राम समाज की ज़मीन है वो कब्जेदारों से मुक्त कराई जाए, चारागाह जो अभी तक कब्जा कर रखे हैं लोग वो छुड़वाए जाए, चारागाह हैं, तालाब है, अन्य तरीका की जो सरकारी ज़मीनें हैं, जैसे कब्रिस्तान की थी उनकी थी ज़मीनें, खेलन की थी ज़मीनें, वो ज़मीनें कहाँ चली गई, ज़मीनें तो बहुत पहले से थी और सरकारी ज़मीनों पर कब्जा हो गया, उसको मुक्त कराया जाए। और कुछ कहना चाहेंगे? नहीं भैया, हम सरकार से ही उम्मीद करते हैं, सही काम हो रहा है और होना चाहिए, जो भी गलत काम करे उस पर शिकंजा कसना चाहिए, ये बात है। हम एक पवोरा ग्राम सभा के अध्यक्ष हैं। और कुछ कहना चाहेंगे हमारे माध्यम? बस जो माध्यम था हमने आपको बता दिया कि कन्नौज में मौजूद थे, आज हमने आपको दिखाया कि बाबा बुलडोजर जो आजकल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को लोग अक्सर बोलते हैं कि बाबा बुलडोजर, तो बाबा का जो बुलडोजर चल रहा है अपराधियों के ऊपर, भूमाफियाओं के ऊपर, तो आज हमने कन्नौज की जनता की राय सुनाई कि कन्नौज की जनता इस पर क्या सोचती है, कन्नौज की जनता ने अपने जवाब इस वीडियो में दिए। आप लोग हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और अधिक से अधिक संख्या में इस वीडियो को देखें, जो कमी आ रही है उसके बारे में बताएं, तो हम आगे सुधार करेंगे। आज हम बाबा बुलडोजर के ऊपर बात कर रहे थे, तो कल किसी नए मुद्दे पर हम कन्नौजी से जुड़ेंगे। कैमरामैन अश्विनी राजपूत के साथ सौरभ सप्ताह कन्नौज। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखे नहीं तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली, वो ये एगो घंटी बा ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाए। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 8167000। धन्यवाद।